उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा टोंक पहुंचे, जहां जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा ने 400 पार सीटों का फॉर्मूला बताते हुए कहा कि राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता मोदी के विजन को समझ चुकी है। राजस्थान में बीजेपी 25 की 25 सीट लाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कार्यकाल में भारत 5वें स्थान पर पहुंचा है। इस बीच डिप्टी सीएम बैरवा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। टोंक से कजोट गुर्जर की रिपोर्ट। युवा संवाद कार्यक्रम पे आकर युवाओं से हमने संवाद किया और युवाओं की जो प्रतिभा है जिसको हम पहचानने की या कोशिश की, निश्चित रूप से आज के युवाओं में इस राष्ट्र हित में और माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस तरह से 10 साल में इन लोगों ने जो देखा है, 10 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस विश्व में देश का मान और सम्मान बढ़ाया और जो अनुकरणीय कार्य किए हैं जिनके हम सोच नहीं सकते, वो कार्य करके दिखाए हैं मोदी जी ने। मोदी जी की गारंटी है, निश्चित रूप से वो पूरी करते हैं। इसलिए हमारे आज के युवा में बहुत जज्बा है और इन युवाओं के हाथ में एक विकसित भारत सौंपना चाहते हैं, ये उनकी सोच है, उनका विजन है।